नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ देश के संत समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज अयोध्या मामले में संपूर्ण न्याय हो गया है। पिछले 28 साल से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रिदम्बरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती समेत 32 लोगों पर जो कलंक लगाने की कोशिश हो रही थी, उसे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूरी तरह से पाक साफ करार दिया है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सभी 32 आरोपियों को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित थी, बल्कि सब कुछ अचानक हुआ। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया कि आरोपी बनाए गए लोगों ने ना तो ढांचा गिराने को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक और कुछ कट्टर सोच वाले मौलानाओं से लेकर बाबरी एक्शन कमेटी तक सबने फैसले पर सवाल उठा दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि क्या जादू से मस्जिद को गिराया गया। कांग्रेस कह रही है कि जब न्याय नहीं किया जाता तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक के बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमने लगते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम के घर में अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ पूरा हो गया। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जहां जहां दाग हैं उनको धो करके साफ करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाल कृष्ण आडवाणी बरी, मुरली मनोहर जोशी बरी, कल्याण सिंह बरी, उमा भारती बरी, विनय कटियार बरी, साध्वी रितंबरा बरी, महंत नृत्य गोपाल दास बरी, डॉक्टर रामविलास वेदांती बरी, चंपत राय बरी, महंत धर्मदास बरी, सभी 32 आरोपी बरी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। फैसले में कहा गया है, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि अचानक हुई। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, सभी 32 आरोपियों को बरी किया जाता है। भीड़ ने विवादित ढांचा गिराया था, आरोपी बनाए गए लोगों ने ढांचा गिराने से रोकने की कोशिश की थी। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की तह नहीं थे, के तहत नहीं थे। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है, और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। फैसला आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात की, लेकिन दूसरी तरफ सियासत का खेल शुरू हो गया। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर? जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं। तो क्या कोई जादू से मस्जिद को
शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को। वो जगह जो रामलला को दे दी गई थी, राम मंदिर को दे दी गई थी, तो ये तो फैसला आना ही था। सारे एविडेंस होने के बावजूद पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया। जो आस्था थी कोर्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हमें दिख रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिन है। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वे संविधान की परिपाटी से परे है। 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने फैसले के बाद कांग्रेस को ही घेर लिया। सीएम योगी ने कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूज्य संतों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया। इस षड्यंत्र के लिए कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम के घर देर है, अंधेर नहीं। और अब विश्लेषण सुनिए, अयोध्या में संपूर्ण इंसाफ का विश्लेषण। राम मंदिर के बाद अब विवादित ढांचे पर भी क्लीन चिट। विवादित ढांचे पर नमाज पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। कोर्ट ने माना ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। जिन पर आरोप था, असल में उन्होंने ढांचा बचाने की कोशिश की। कांग्रेस ओबीसी बाबरी एक्शन कमेटी ने फैसले पर सवाल उठाया। ओबीसी ने पूछा, क्या जादू से मस्जिद गिरा दी गई? वाजिब सवाल है। फैसला सूट न करे तो क्या कोर्ट पर सवाल उठाया जाएगा? मैं इस बहस को ओपन करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं।